हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ टॉपिक जिसका नाम है फोक लिटरेचर और फोक लिटरेचर की अगर हम बात करें व्हाट इज़ फोक लिटरेचर और किस तरीके से इसका मीनिंग होता है क्या इसकी डिफ़िनेशन होती है सो फोक लिटरेचर की इसकी स्टार्टिंग करने से पहले कि फोक लिटरेचर क्या होता है इससे पहले हम ये बात करते हैं कि फोक लिटरेचर लाइम में कब आया मतलब कि स्टार्टिंग में तो ये नहीं था फोक लिटरेचर क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये लिखा ही नहीं गया था सो so, अभी अगर हम मॉडर्न फोक लिटरेचर की बात करते हैं सो मॉडर्न फोक लिटरेचर स्टडीज स्टार्ट हुई थी फ्रॉम नाइनटीन सेंचुरी यूरोप से स्टार्टिंग हुई थी इसकी स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी से कुछ स्कॉलर्स ने स्टार्ट किया था उन्होंने देखा कि वो सीरियस थे इसको लेकर और वो चाहते थे सम स्कॉलर्स स्टार्टेड टॉकिंग सीरियस इंटरेस्ट इन द कलेक्शन एंड द स्टडी ऑफ फोकलोर मटीरियल इन वेरियस फ्रॉम लिंक फोक टेल फोक सॉन्ग्स एंड फोक ट्रेडिशनल कस्टम्स यहाँ से उन्होंने मटीरियल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था फोक टेल्स फोक सॉन्ग और फोक कस्टम्स जो इनके इंटरेस्ट होते हैं जो बिलीव्स होते हैं द इंटरेस्ट इन फोकलोर रिसोर्स वो क्रिएटेड बाई डाइवर्स मोटिवेशन एंड अरोज the डाइवर्स सोशल पॉलिटिकल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्योंकि इन सारे कॉन्टेक्स्ट को देखने के बाद ही आप कहीं का फोक या फोक लिटरेचर को लिख सकते हैं सो डोंट बी कन्फ्यूज़ कि फोकलोर क्या होता है फोक एंड फोक लिटरेचर इज द सेम थिंग फोक की स्टार्टिंग हुई थी कब से इन द नाइनटीन सेंचुरी यूरोप से और अगर इसकी बात करें स्पेसिफिकली तो ये जर्मनी से स्टार्ट हुआ था Folklore इज एसोसिएटेड विद द रूरल peasant folk. फोक फोक इज एनी ग्रुप ऑफ पीपल वट्स हु शेयर एट अ लीस्ट वन कॉमन फैक्टर जिनका एक कॉमन फैक्टर होना ज़रूरी होता है आन कुछ भी हो सकता है चाहे उनकी ऑक्यूपेशन हो सकता है उनकी लैंग्वेज हो सकती है उनका रिलीजन हो सकता है उनका धर्म हो सकता है इन नाइनटीन सेंचुरी फोकलोर वॉज कंसिडर्ड एज अ डेड कल्चर अब डेड कल्चर की तरह इसको क्यों कंसिडर किया गया था नाइनटीन्थ सेंचुरी में क्योंकि इससे पहले फोकलोर था ही नहीं ना ही फोक लिटरेचर्स लिखे जाते थे ना ही फोक टेल्स में लोगों का इंटरेस्ट था बट इट इज़ अलाइव एंड वाइब्रेंट ये अलाइव और वाइब्रेंट हुआ आफ्टर नाइन्टीन सेंचुरी कहाँ से ये वाइब्रेंट हुआ जर्मनी फोक टेल्स एंड स्टोरीज आर समाइम्स कंसिडर्ड एज बेस्ड ऑन कभी कभी इसको इनकरेक्ट माना गया क्योंकि ये फैक्ट्स और मिथ्स पे बेस्ड हैं तो कभी कभी इसको क्या माना गया कल्चर की नॉलेज देता है जो फोक टेल होता है वो तो इसको इस तरीके से माना गया इट इज़ डीपली कनेक्टेड टू द नेशन इसकी क्वालिटी है दैट फोक लिटरेचर और फोक टेल और फोक लो इज़ डीपली कनेक्टेड टू देश नेशन किसी भी पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड होता है बिलोंग्स टू लोअर लेवल ऑफ द सोसाइटी सोशल हयार फोक लिटरेचर हमेशा लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता कभी भी हाई क्लास सोसाइटी का कोई फोक लिटरेचर नहीं होता है इट इज़ टोल्ड इट इज़ ओल्ड फैशन कंपेयर टू द कंप्लेक्साइटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ओल्ड क्यों होता है क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन से ये बिल्कुल अलग होता है अब हम बात करें कि फोक लिटरेचर में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं फोक लिटरेचर इंक्लूड्स लीजेंड स्टोरीज लीजेंड्स जो वीरता की कहानियाँ होती हैं स्टोरीज फेबल्स फेबल्स में जो एनिमल्स हैं वो इंसानों की तरह कॉम्यूनिकेट करते हैं जस्ट लाइक नन प्री स्टेल अपने पढ़ी होगी एम ए जी वन में फर्स्ट ईयर में फेयरी टेल्स जो परियों की कहानियाँ होती हैं रिलीजियस टेल्स एंड मैथोलॉजिकल टेल्स ये सारी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं फोक लिटरेचर कीप्स प्रोग्रेसिंग अडाप्टिंग and reorienting along with the dynamism of time and need of the people. के need के according भी produce किए जाते हैं कुछ folk literature. जैसे लाइक कोई राइटर है और उसने देखा कि उसने कोई एक स्टोरी लिखी थी जो कि फेबल स्टोरी थी फेबल टेल थी जो बच्चों को बहुत पसंद आई और उसकी बहुत डिमांड पड़ी तो वो क्या करेगा वो दोबारा से एक फेबल स्टोरी लिखेगा क्यों क्योंकि लोग लोगों की डिमांड है बच्चों की डिमांड है सो so, इसीलिए इसको बोला गया कि नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग भी लिखा जाता है फोक लिटरेचर इज करेक्टराइज्ड बाई द पीपल इट्स बिलोंग्स टू देयरफॉर फोर इट कैन बी कॉल्ड पीपल्स लिटरेचर फोक लिटरेचर इमर्जेस आउट ऑफ पीपल्स डिज़ायर एस्परेशंस क्रिएटिविटी एंड अस्थैटिक एम्पल्स इट इज क्लोजली रिलेटेड टू पीपल्स लाइव एंड एक्सपीरियंस क्योंकि लिखने वाले भी कॉमन ह्यूमन बींग है तो इसका जो कनेक्शन था जो इसका रिलेशन था वो डायरेक्टली लोगों की लाइफ से उनकी और उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड था और फोक लिटरेचर के फील्ड में दो राइटर्स जिनका नाम लिया जाता है मैक्स मूलर और थियोडार बेनिफी मैक्स मूलर ने क्या किया था इंडिया के मिथ्स पे काम किया था और थियोडार बेनिफी ने ट्रांसलेट किया था जो पंचतंत्रा की स्टोरीज हैं उनको सो so, ये इम्पॉर्टेंट है सो so, ये कंप्लीट हो जाता है आपका उसके बाद अगर हम इसकी कुछ इसके अंदर और चीज़ों को डिस्कस करें फोक लिटरेचर का सो फोक लिटरेचर जो लोगों की इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल जर्नी उनके रीज़न को नेशनलिटी को इश्यूज़ को एक्सिस्टेंस को कंजर्वेशन को प्रिजर्वेशन को इन सारी चीज़ों को रिप्रजेंट करता है इट्स नॉट ओनली शो द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन ये एनिमल्स के साथ ह्यूमन का क्या रिलेशन है और जो नेचर है उसके साथ ह्यूमन का क्या रिलेशन है उसको भी प्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज चाहे वो फेबल स्टोरीज हों चाहे वो कोई दूसरी स्टोरीज हो या कोई लिटरेचर वर्क हो ये सारा उसको प्रेजेंट करता है इट रिफ्लेक्ट्स द रिलीजियस एलिजन ऑल्सो कि किसी भी रिलीजन को भी ये एक्सप्लेन करता है फोक लिटरेचर में जितने भी करेक्टर्स होते हैं जो करेक्टर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं दे आर हैविंग सम आर हैविंग गुड क्वालिटीज़ एंड अदर्स हैविंग सम बैड क्वालिटीज़ ये दोनों क्वालिटीज़ से जो इनका करेक्टर होता है वो फुलफ़िल होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों ही करेक्टर्स की अलग अलग क्वालिटीज़ भी बताई जाती हैं बेसिकली आप कह सकते हैं ये एक अवेयरनेस करता है लोगों को उनके कस्टम से उनके बिलीफ से उनके इमेज से उनके डिज़ायर से एस्पिरेशन से क्रिएटिविटी से या फिर उनकी ब्रेवरी, किसी के एक्शन उनके जो बिहेवियर है उनको अंडरस्टैंड कर सको इन सारी चीज़ों को उनकी फीलिंग्स को ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करता है फोक लिटरेचर और इसके अंदर मिथ्स लीजेंड आप एपिक फेबल स्टोरीज फोक टेल्स ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट्स इट्स स्प्रेड फ्रॉम माउथ टू माउथ जनरेशन टू जनरेशन फोक लिटरेचर रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्लेस ऑफ ऑरिजन क्लियरली टू हैव है मीट ऑफ वराइटी ऑफ ह्यूमन नीड्स ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग चलता है सो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि फोक लिटरेचर क्या होता है और फोक कब से स्टार्ट हुआ फोक लिटरेचर या फोक लोर कब से स्टार्ट हुआ और ये किस तरीके से डेवलप हुआ फोक जो लिटरेचर है वो डेवलप हुआ इंडिया में थ्री पीरियड्स में सबसे पहला पीरियड था मिशनरी पीरियड नेक्स्ट पीरियड था आपका नेशनैलिटी पीरियड और थर्ड पीरियड था एकेडमिक पीरियड जिसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है यू कैन सी इट और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होगी मीनिंग से होगी करैक्टरस्टिक्स की और ये जो फोक लिटरेचर है इसकी करेक्टर स्टिक्स की वीडियो मैं हो सकता है आज शाम तक अपलोड कर दूँ सो स्टे कनेक्टेड विथ चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ